स्टार्स फॉरगेट वन स्टेप टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का वेलकम है। आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे अच्छा रैंक प्राप्त कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें और एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। दोस्तों, आप लोग जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पे, पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करने चाहिए। अगर आप सिक्स सेमेस्टर मीन्स थर्ड ईयर, और आप फोर्थ ईयर में जाने वाले हैं, तो अभी के समय में आप स्टार्ट करते हैं सिर्फ 3 आवर ऑफ डे, मतलब 3 घंटे एक दिन में अगर पढ़ाई कर लेते हैं कंटिन्यू वे में, तब आपको कोई नहीं, मतलब आप एट द लास्ट में आप क्या हो सकता है, आप अच्छे से नोट्स तैयार होगा, नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये तो मैं 3 आवर्स आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए बात किया हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में भी आपको टाइम लगेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, याद रखिए कंटिन्यू वे में कम से कम पढ़ाई करिए ताकि आप अच्छे रैंक को अचीव कर सकें। आइए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है और एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जनरली सभी के माइंड में उठता है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको ये बताया होगा कि एप्टीट्यूड, नेटवर्क, मैथ्स, EMFT, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल, EDC, एनालॉग सर्किट, इस तमाम 10 सब्जेक्टों को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपको तो पहले 2 सेशन में मैंने बता चुका हूँ कि कैसे नोट्स बनाएं और कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जो कि मैंने बताया। अब आता है सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ जो सवाल आपको आंसर होना चाहिए, सबसे पहले आप गेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये सबसे पहला होना चाहिए। देखिए, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा ये होगा कि आपको गेट का जो पूछने का तरीका है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा हो जाएगा, आप वर्कबुक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वर्कबुक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि MedDigi का, चाहे MedEasy या Academy और एंड इस एकेडमी का वर्कबुक आप मार्केट से परचेज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट में बिल्डअप होगा, कंसेप्ट बिल्डअप होगा अच्छे वे में। अगर आप सिर्फ गेट का प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करके रहते हैं तो आप नए क्वेश्चन वो तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आपको नए क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप गेट का प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व करें। ठीक है, नहीं तो अगर कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ तो आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं वर्कबुक से स्टार्ट करें, फिर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं उस सब्जेक्ट का। टेस्ट दे के उससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, ध्यान रखिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं बनता है उसे आप स्टार मार्क्स कर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो गेट के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो उसमें क्या है कि कंसेप्ट पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब 3-4 कंसेप्ट का निचोड़ एक क्वेश्चन में रहता है, उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप
टिक आउट करके रखें, ताकि जब आपके जब जब आप रिवीजन करें अक्टूबर मंथ के बाद, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान में रहे और कंसेप्ट भी ध्यान में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, वर्कबुक मेडिजी एंड एस एकेडमी का बना सकते हैं, जो कि मार्केट में इजी इजिली अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।